हेलो दोस्तों, नमस्कार। टोटल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दोस्तों ये दोस्तों IAS प्री 2017 का दोस्तों क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों इसका जो 20वां क्वेश्चन है दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और उसे 10% लाभ लेकर राम को बेच दिया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यदि आप सच में ये मतलब सीखना चाह रहे हो कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप सीखो, तो आप दोस्तों सबसे पहले एक कॉपी पेन अपने पास रखें दोस्तों, तभी आप लोग ये सीख पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा, उसे 10 मतलब दोस्तों उसने क्या, जैसे गोपाल ने सेल फोन खरीदा उसे 10% लाभ पे बेच दिया। दोस्तों माना उसने 100 रुपये का खरीदा तो उसने फिर 10% लाभ पे बेच दिया। तो दोस्तों 100 का 10% कितना हो गया, 10। तो मतलब उसने कितने का बेच दिया दोस्तों, रमेश को लेकर राम को कितने में बेच दिया दोस्तों, उसने 110 रुपये का, क्योंकि 10% लाभ पे बेचा ना। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेच देना चाहता है, यानी कि अब जैसे गोपाल ने राम को बेचा था ना 10% लाभ पे, अब क्या है जो राम है उसे 10% हानि पे। तो दोस्तों अब जो कुल टोटल उसके उसे कितने का पड़ा था, 110 का, यदि वो उसके में से मतलब 10% हानि से बेचेगा तो दोस्तों कितना मतलब उसका 10% कितना हुआ दोस्तों, अब लिखते चलिए दोस्तों, उसका 10% कितना हुआ, 11। तो दोस्तों अब उसे कितने मतलब जो गोपाल को राम कितने में बेचेगा, मतलब 10% आने पे तो मतलब 99 रुपये का, और जबकि गोपाल ने खरीदे खरीदा कितने का, तो दोस्तों 100 रुपये का, तो 100 और अब फिर से उसने कितने का खरीद लिया, 99 का, तो उसे उसे मतलब एक एक रुपये का लाभ हुआ ना दोस्तों, तो उसे 1 रुपये का लाभ हुआ। तो मतलब 100 रुपये का मतलब जो 100 जो हाँ, तो उसे पहले 100 का पड़ा था लेकिन इसे अब 99 का पड़ गया ना, तो उसे 1% क्या हुआ जो गोपाल को लाभ हुआ ना दोस्तों। दोस्तों इसे हम इसी प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने ये इधर सॉल्व किया है दोस्तों, कि माना मतलब गोपाल ने 100 रुपये का खरीदा, उसने राम को कितने 10% लाभ पे बेच दिया, तो 10% लाभ पे बेच दिया, लेकिन राम ने फिर क्या किया गोपाल को 10% हानि पे बेचा, तो 110 की 10% कितना होगा मतलब 11, तो 99 बचेगा, तो 99 में ठीक है। अब 100 में से मतलब फिर से वो गोपाल को चला गया, तो 100 में से 99 घटा दो 1, तो मतलब वो ये पूछ रहा है गोपाल को, मतलब कि गोपाल को उसने क्वेश्चन में पूछा था कि गोपाल को मतलब कितना क्या हानि मतलब हानि या लाभ होगा। तो दोस्तों उसे 100 का पहले खरीदा था, वो उसने फिर से 99 खरीद ली, तो उसे तो दोस्तों मतलब 1% का लाभ हुआ ना दोस्तों। ये था दोस्तों ये क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आप ये देख रहे होंगे दोस्तों ये 80वां क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप मतलब 150 पृष्ठों की पुस्तक है, पुस्तक में 1 से लेकर 150 तक की संख्याएं अंकित करनी है, तो पुस्तक में मतलब कुल टोटल कितने अंक मतलब प्रिंट रहे होंगे, मतलब जो जैसे 150 है तो दोस्तों इसको 3 अंक गिनेंगे, तो इस प्रकार से कितने अंक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन दोस्तों हम बता रहे हैं दोस्तों, ये है दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों क्या है, जैसे 150 अंक है ये जो सेकंड नंबर पे दोस्तों, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन, देखो दोस्तों जो कुल टोटल पेज कितने हैं मतलब दोस्तों 150 150, दोस्तों 1 से लेकर 9 तक के कितने अंक हो गए दोस्तों, इसमें एक ही अंक है ना, जैसे 1 2 ये 1 अंक है, 1 1 अंक है, 2 1 अंक है, ऐसे कितने कुल टोटल कितने हो गए, मतलब अंक संख्या इंटू उसमें कितने अंक हुई संख्या उससे गुणा करना है, तो कुल टोटल कितने हो गए 1 से लेकर 9 तक के 9। फिर लोग दोस्तों 10 से लेकर 99 तक के कितने हो गए, 10 से लेकर 99 90 अंक हो रहे हैं, कितने अंकों की संख्या है 2 की, तो उससे तो गुणा करना है, तो एक कितना हो गया 180। अब दोस्तों इसमें कुल टोटल 150 है ना, तो 100 से लेकर 150 तक दोस्तों, 100 से लेकर 100 से 150 तक कितनी संख्या हुई, 51, लेकिन दोस्तों 3 अंकों की है, तो दोस्तों इसे 3 से गुणा करेंगे दोस्तों, कुल टोटल ये हो रहा है दोस्तों आपका, यदि इन जोड़ों को जोड़ोगे वो यही पूछ रहा है, तो कुल टोटल हो रहा है दोस्त 342। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, फिर से देख सकते हैं इसमें मतलब दोस्तों क्या है, इसने ये बोला था 150 अंकों की कोई मतलब 150 अंकों की कोई बुक है, उसमें यदि पेज मतलब प्रिंट कराने, तो कुल टोटल जो अंक होंगे वो कितने होंगे, जैसे 150 में दोस्तों 3 अंक हैं, जैसे 99 में 2 अंक हैं, तो दोस्तों इसी प्रकार से 150 पूरे जो अंक होंगे उनमें कितने होंगे, दोस्तों 1 से लेकर 9 तक के 9, इसमें मतलब एक तो दोस्तों क्या करना है, संख्या इंटू कितने अंकों की संख्या उसको गुणा, तो 1 से लेकर 9 तक की कितनी संख्या 9, कितने अंकों की 1 उससे गुणा किया, फिर 10 से लेकर 99 तक की कितनी संख्या 90, कितने अंकों की 2 उससे गुणा किया, ये लिखा 180, फिर 100 से लेकर 150 से कितने अंकों की संख्या है,
मतलब 3 अंकों की कितने कुल टोटल कितनी है 51, तो इससे गुणा किया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 342 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम और भी क्वेश्चन आगे डिस्कस कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, ये दोस्तों आप देख रहे होंगे छठवां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या है, एक थैले में 20 गेंदे हैं और 8 गेंद क्या है इसमें ब्लू हैं, आ रही हैं, 7 गेंद सफ़ेद हैं और 5 गेंद लाल हैं। आँख बंद कर के आपको थैले में से न्यूनतम कितनी गेंद निकालनी होंगी कि किस मतलब बिना बदले किसी सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक रन की कम से कम एक गेंद हो। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कुल टोटल किसी थैले में आपको आपको मालूम नहीं है मगर इतना मालूम है इसमें 20 गेंद है, और उसने ये बोल दिया कि 8 गेंद मतलब ब्लू है और 7 गेंद उसमें सफ़ेद हैं और 5 रेड हैं। अब आपको आंख बंद करके उसमें से गेंद निकालनी है और कम से कम उसमें कम से कम एक गेंद तो हर कलर की हो। तो दोस्तों इसमें आपको कितने बार ट्राई करना पड़ेगा दोस्तों, वो यही बोल रहे हैं। तो इसी का दोस्तों ये है दोस्तों सॉल्यूशन, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों कुल टोटल जो देखो दोस्तों, इसमें बॉल कितनी है देखो, ऊपर आप देखोगे 20, 8 ग्रीन कलर की है, 7 सफ़ेद कलर की है, 5 रेड कलर की। और दोस्तों जैसे अपन ने पहली बार निकाला तो दोस्तों वो जो गेंद है ना वो तो रेड भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है दोस्तों। तो अपन दोस्तों मान देंगे अपने 8 बार गेंद निकाली तो वो 8 भी मतलब रेड कलर की निकली दोस्तों, ग्रीन की निकली माना। ठीक है, तो 8 ग्रीन वाली मतलब पूरी हो गई। ठीक है, अब दोस्तों उसमें क्या बची, सफ़ेद बची और रेड बची। अब हमने 7 और निकाली, मतलब निकालते चले गए वो 7 सफ़ेद निकले आई पूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल टोटल मतलब ये 7 निकले आई। ठीक है, अब इसमें एक रेड मतलब पूरी रेड और वाइट तो हो ही गई। अब दोस्तों हमें क्या है, एक गेंद और निकालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अभी इसमें सफ़ेद और ग्रीन तो हो गया, अब इसमें एक गेंद और निकालेंगे तो वो दोस्तों रेड की हो जाएगी। तो दोस्तों कुल टोटल हमें कितनी गेंद निकालनी पड़ रही है दोस्तों, जैसे 8, 7 और 1, तो दोस्तों कुल टोटल हमें 16 मतलब 15 बॉल दोस्तों निकालनी पड़ेंगी। तो ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये मैंने डिस्कस किया है मतलब IAS प्री 2017 कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।